उत्तर प्रदेश के कानपुर में करौली सरकार बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया विवादों में घिर गए हैं। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अपने चमत्कार के दम पर लोगों के दुख दूर करने और उनका इलाज करने का दावा करने वाले करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया पर नोएडा निवासी सिद्धार्थ चौधरी ने केस दर्ज कराया है। सिद्धार्थ चौधरी के मुताबिक वो बीते 22 फरवरी को करौली धाम आए थे। जब वो बाबा के सामने पहुंचे तो उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाने को कहा। इस पर बाबा ने कुछ मंत्र फूंकते हुए पूछा कि तुम्हें इसका असर समझ में आया, तो सिद्धार्थ ने मना कर दिया। इसके बाद बाबा ने दो चार बार और मंत्र फूंका, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई असर नहीं होने की बात कही। यह सुनते ही बाबा भड़क गए और उन्होंने उनको डांटकर अपने सेवादारों को बुला दिया और बाहर निकाल दिया। बाबा से आदेश मिलने के बाद सेवादार सिद्धार्थ को एक कमरे में ले गए। उनका दावा है कि यहां उनकी लोहे की रॉड और हथियारों से मारा पीटा गया। इस हमले में उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। उन्होंने करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया और उनके साथियों पर धारा 323, 504 और 325 IPC में FIR दर्ज कराई है। सूरज कश्यप की रिपोर्ट। नोएडा निवासी डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने करौली बाबा, जो पुरिया चौकी अंतर्गत थाना विधुन के आता है, करौली बाबा और उनके समर्थकों के द्वारा उनके साथ मारपीट गाली गलौज का आरोप लगाया है। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की।
देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।